أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم चैप्टर नंबर 5 रिलीजियस फेस्टिवल्स पर हमें साइंस में जनरल नॉलेज में क्लास ग्रेड 2 की फेस्टिवल्स आर अ पार्ट ऑफ वुमेन लाइफ यानी जो त्यौहार है ये इंसान की जिंदगी का हिस्सा है। दीज आर ओकेजंस व्हेन पीपल शेयर देयर जॉयज विद ईच अदर ये वो मौके होते हैं जब लोग एक दूसरे से अपनी खुशियाँ शेयर करते हैं। द मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फितर एंड ईद उल अजहा विद रिलीजियस ज़ील एंड फेस्टिविटी मुसलमान जो है वो यानी सेलिब्रेट करते हैं ईद उल फितर और ईद उल अजहा ठीक है ना। मतलब दीन का एक ये फेस्टिवल है यानी ये रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं ठीक है ना। मुसलमानों की दो ईद हैं ईद उल फितर और ईद उल अजहा तो इन दोनों को एज अ रिलीजियस ज़ील या रिलीजियस यानी मजहबी जो है त्यौहार तौर पर मनाते हैं। इन अवर कंट्री हमारे मुल्क में ईद मिलादुन्नबी द यूर्स ऑफ हजरत दादा उर्स यूर्स लिखा हुआ उर्स क्या लिखा हुआ है उर्स ऑफ हजरत दादा का अनुभव रहमतुल्लाह अलैह द चिरागा फेयर स्प्रिंग फेस्टिवल एटसेट्रा हमारे मुल्क में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मनाते हैं ठीक है ना। और दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मदार पे भी बहुत सारे लोग उनका उर्स भी मनाते हैं। चिरागा फेयर भी होता है और बाहर का फेस्टिवल वगैरह भी होता है। ये सारे क्या है रिलीजियस एंड कल्चर फेस्टिवल्स अदर देन ईदन ईदन के अलावा ये भी कुछ मजहबी त्यौहार है या कल्चरल कह रहे हैं मजहबी तो इनको मत कहें ठीक है ना। मजहबी त्यौहार दो ही है एक ईद उल फितर और ईद उल अजहा ठीक है। इसके अलावा और कोई ईद नहीं है ना कोई और इस्लाम में कोई उर्स मनाने वाला ऐसा चक्कर कुछ भी नहीं ये एक कल्चर में आ गया हमारे ठीक है ना। रिवायत ईद के अलावा ये दो और रिवायतें हैं ये कुछ रवायतें ये भी हमारे मुल्क में मतलब फेस्टिवल होते हैं ये भी मनाए जाते हैं। विच आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द लोकल कस्टम एंड ट्रेडिशन ये सबका सब सेलिब्रेट किया जाता है मनाया जाता है अकॉर्डिंग टू यानी मकामी कानूनों और रवायतों के मुताबिक ये मनाया जाता है। द पीपल ऑफ अदर रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड आल्सो सेलिब्रेट फेस्टिवल मुख्तलिफ दुनिया में लोग हैं वो भी अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिसमस मनाते हैं क्रिश्चियंस बैसाखी होली दिवाली ये सब हिंदू मनाते हैं। ईद उल फितर के बारे में ऑन द कम्पलीशन ऑफ द फास्टिंग मंथ ऑफ रमजान मुबारक द मुस्लिम सेलिब्रेट ईद विद फेस्टिविटी ऑन द फर्स्ट ऑफ शवाल ठीक है ना। यानी रमजान के पूरे एक महीने के रोजे रखने के बाद मुसलमान जो है वो शवाल के महीने में पहली शवाल को सेलिब्रेट करते हैं ईद उसको ईद उल फितर कहते हैं। इट इज कॉल्ड ईद उल फितर इसको ईद उल फितर कहा जाता है। ऑन द डे ऑफ ईद उल फितर के दिन द मुस्लिम से एम्ब्रेस ईच अदर टू डिस्ट्रीब्यूट सदका फितर विद 100 रुपीस टू द प्योर पुअर सो दैट दे कैन आल्सो जॉइन एंड सेलिब्रेट द फेस्टिविटी ईद उल फितर। ईद उल फितर के दिन यानी मुसलमान फितराना भी देते हैं सदका फितर जिसे कहते हैं गरीबों को ठीक है ना। सो दैट दे कैन आल्सो जॉइन एंड सेलिब्रेट द ताकि वो भी जो है वो ईद को मना सके खुशियों को मना सके। सदका फितर हर एक का देना होगा और ये ईद की नमाज से पहले पहले देना वाजिब है रमजान में महीने में कभी भी दे सकते हैं। ये देखिए शवाल की ईद मनाने का मंजर दिया गले मिलते हैं लोग। ईद उल अजहा बड़ी ईद क्या है मुस्लिम सेलिब्रेट्स ईद उल अजहा ऑन 10th ऑफ ज़िलहज्जा यानी ज़िलहज्जा की 10 तारीख को यानी रमजान के बाद शवाल का महीना आता है पहली शवाल को छोटी ईद मनाई जाती है फिर उसके बाद ज़िकत का महीना आता है फिर ज़िलहज्ज का महीना आता है तो 10 ज़िलहज्ज जो कि आखिरी महीना है इस्लाम का इसमें जो है ज़िलहज्ज की 10 तारीख को ये ईद उल अजहा मनाई जाती है। ऑन दिस डे इस दिन जो है मुस्लिम सेक्रीफाइस एनिमल मुसलमान जानवरों की कुर्बानी करते हैं डिस्ट्रीब्यूट द सेक्रीफाइशल मीट अमंग रिलेटिव और फिर फ्रेंड्स एंड द पुअर और फिर बांटते हैं कुर्बानी का गोश्त किनको रिश्तेदारों को दोस्तों को और गरीब लोगों को। ईद मिलादुन्नबी ठीक है ना ये एक एडिशन है ठीक है ना ये कोई ईद नहीं है ठीक है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेलिब्रेटेड ऑन द 12th रबीउल अव्वल टू कमेमोरेट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्थ। ईद मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल को मनाई जाती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में। हत्ता कि ये कोई साबित नहीं है ना सहाबा से साबित है बस ये एक बिदात कह लें आप इसको एडिशन कह लें लोग खुशी के लिए मनाते हैं। अब तक रवायतों में आता है कि 12 रबीउल अव्वल ये बात तय है सारे उलमा के नज़दीक कि 12 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल का दिन है यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ था इस दुनिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। और पैदाइश में अलबत्ता इख्तलाफ है कि शायद 9 रबीउल अव्वल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश बात कहते हैं 10 बात कहते हैं 11 और बात कहते हैं 12 रबीउल अव्वल ज़्यादातर यही है कि 9 रबीउल अव्वल पैदाइश करें। तो बहरहाल ये एक कन्फर्म चीज़ नहीं है कि आसूसलम बारह रबी अव्वल को पैदा हुए लेकिन ये कन्फर्म है कि आसूसलम का इंतकाल बारह रबी अव्वल को हुआ। तो इस दिन को खुशियाँ मनाना लाइट जलाना जलसे जुलसे निकालना ये सब बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। उर्स क्या है उर्स मनाए जाते हैं बहुत सारे अब तो उल्टे सीधे पता नहीं मदारों में कितने उर्स मनाए जाते हैं तो ये सब
एडिशन है, पहले नजावत से यानी कि इस चीज का कोई भी सबूत नहीं मिलता। बहरहाल एक कल्चर में हमारे आ गई ये चीज इन लाहौर, लाहौर के अंदर और सब दादा गंध बख्श मतलब लाले, दादा गंध बख्श मतलब लाले का उर्स मनाया जाता है, यानी चरागा फिर और यानी चरागा रोशनी वगैरह का मेला भी लगता है, आल्सो सेलिब्रेटेड विद गेट लेवल, बहुत कुछ चीजों को मनाया जाता है। क्रिसमस द क्रिश्चियन सेलिब्रेट हजरत ईसा अलैहि सलाम बर्थडे ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर, इट इज कॉल्ड क्रिसमस। 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश हुई थी तो क्रिसमस उस खुशी में क्रिश्चियंस मनाते हैं। दिवाली होली क्या है, दिवाली एंड होली आर रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ हिंदूज, हिंदुओं का जिस तरह हमारा ईद उल फितर और ईद उल अजहा है, इस तरह हिंदुओं में दिवाली और होली का फेस्टिवल मनाया जाता है। बाईसखी इज द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ सिख्स, ये सिखों का रिलीजियस फेस्टिवल है, ये सिख मनाते हैं। हिंदुओं में हिंदुस्तान में सिख है ना, जिनमें बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधते हैं। अब एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग, डैश इज गिवन टू द पीपल टू इंक्लूड देम इन द जॉय ऑफ ईद उल फितर, ईद उल फितर में गरीबों को क्या दिया जाता है ताकि वो भी खुश हो सके, तो सदका फितर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ है रिलीजियस फेस्टिवल हिंदूज आर होली एंड हिंदुओं का रिलीजियस फेस्टिवल्स कौन सा है, एक तो होली है और दूसरा क्या है दिवाली, तो दिवाली यहाँ है। ईदैन मीन्स डैश एंड ईद उल अजहा, ईदैन का मतलब क्या है, ईद उल फितर और ईद उल अजहा। ठीक है ना, यही दो ईद है, ईद उल फितर एंड ईद उल अजहा, यहाँ पर ईद उल फितर आएगा। तो मुस्लिम सेलिब्रेट डैश ऑन 10 दिसंबर को, मुसलमान क्या मनाते हैं, ईद उल अजहा मनाते हैं, बड़ी ईद बकरा ईद कहते हैं, इधर ईद उल अजहा आएगा। ऑन 25 दिसंबर एवरी ईयर क्रिश्चियन सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ 25 दिसंबर को, जितने भी ईसाइयों में क्या मनाते हैं, किसकी बर्थडे मनाते हैं, हजरत ईसा अलैहि सलाम की, तो यहाँ हजरत ईसा अलैहि सलाम आएगा। टिक मार्क करने हैं, मार्क द राइट आंसर। आंसर व्हाट, व्हेन इज ईद मिलादुन नबी, ईद मिलादुन नबी कब मनाया जाता है, 12 रबीउल अव्वल को मनाया जाता है, फर्स्ट एंड थर्ड को नहीं मनाया जाता। होली इज द होली इज द होली किंग का मजहबी त्यौहार है, हिंदुओं का मजहबी, सिखों का नहीं, क्रिश्चियंस का तो क्रिसमस है, सिखों का क्या है, साई सामने पड़ा ना, सिखों का है बाईसखी। व्हेन इज द क्रिसमस है, के लिए क्रिसमस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक, इन विच सिटी चरागा फेस्ट, चरागा फेस्ट किस शहर में मनाया जाता है, लाहौर में मनाया जाता है। ठीक है, चैप्टर है पाकिस्तान और कंट्री, हमारे मुल्क के बारे में चैप्टर है, पाकिस्तान इज अवर कंट्री, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इट्स कैपिटल इज इस्लामाबाद, इसका कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद है। इट हैज 4 प्रोविंसेस, इसके 4 प्रोविंस है, पंजाब सिंध बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। इस खैबर पख्तूनख्वा पहले इसका नाम NWFP हुआ करता था, मुस्लिम में पढ़ते थे, यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, लेकिन अब इसका नाम NWFP से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा रख दिया गया। ठीक है, 4 प्रोविंसेस कौन से, पंजाब सिंध बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, जिसको पहले NWFP कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, आबादी के लिहाज से पंजाब इज द बिगेस्ट प्रोविंस, पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस, पंजाब है देखिए सबसे ज्यादा आबादी इसी पंजाब में। वहीं ऑन द बेसिस ऑफ एरिया बलोचिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोविंस, अगर एरिया के लिहाज से देखें तो बलोचिस्तान सबसे बड़ा है, लेकिन सिंध छोटा है, पंजाब भी बड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा भी बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा देखें मैप में क्या है, बलोचिस्तान है, तो एरिया के लिहाज से बलोचिस्तान सबसे बड़ा है। अब एक्टिविटी मैप ऑफ पाकिस्तान इज ड्रॉन ऑन द राइट साइड, आइडेंटिफाई 4 प्रोविंसेस शेडिंग देम इन डिफरेंट कलर्स एंड ब्लैंड नेम, ठीक है, मैप बना हुआ है, अब इसमें आप आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा प्रोविंस कहाँ है। अब ये इधर आप लिखे खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ आप लिखे ये है पंजाब, इधर आप लिखे पंजाब, ठीक है ना, ये पंजाब है, ये नीचे सिंध है, ठीक है, ये बलूचिस्तान है और ये खैबर पख्तूनख्वा है। ठीक है, इधर अंदर नहीं आ सकता, आप अंदर करके लिखिएगा खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, पख्तूनख्वा की स्पेलिंग यहाँ देखेंगे पख्तून हाँ, ठीक, और ये कश्मीर है जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा नहीं है, मकबूजा कश्मीर यानी जो इंडिया के कब्जे में, आपकी आज़ाद कश्मीर है, ठीक है ना, मकबूजा इंडिया के साथ, तो इस पर लिखा करिएगा अलग अलग। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रोविंसेस आर इन पाकिस्तान, देर आर 4 प्रोविंसेस इन पाकिस्तान, कौन कौन से, सिंध पंजाब बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। Which is the biggest province of Pakistan on the basis of population? Population के बारे में सबसे बड़ा province कौन सा है? The biggest province of Pakistan on the basis of population is Punjab. What is the name of capital of Pakistan? Pakistan की capital का नाम क्या है? The name of capital of Pakistan is Islamabad. Islamabad, ठीक? Join names of provinces with their map. सब map के साथ matching करनी है। सबसे बड़ा बलूचिस्तान का map है, तो ये यहाँ आ जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का map ये रहा, पंजाब का map ये रहा, सिंध का, ठीक? कायदे आजम सेकंड चैप्टर। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह was born in Karachi on 25th December 1876. कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो कराची में 25 दिसंबर को 1876 को पैदा हुए। ठीक है, 25 दिसंबर क्रिसमस का भी दिन है और कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का दिन भी। ही गॉट हिज प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम कराची, कायदे आजम ने अपनी प्राइमरी की जो तालीम है जो कि हम अभी हासिल कर रहे हैं
क्लास 1 से क्लास 5 तक या क्लास 6 तक, ग्रेड 1 से ग्रेड 6 तक ये प्राइमरी कहलाती है। तो प्राइमरी कहाँ से पढ़ी? कायदा हमने कराची से पढ़ी एंड पास मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन एट द एज ऑफ 15 इयर्स। 15 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया था हमने। मैट्रिक यानी 9th 10th क्लास को मैट्रिक कहते हैं। ई वेंट टू लंदन एंड गॉट बैचलर डिग्री इन लॉ। फिर वो लंदन चले गए और वहाँ से बैचलर डिग्री लॉ में हासिल करी, यानी कि लॉ वकालत वगैरह का शोबा जो है। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया, जब वापस इंडिया आए, ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग लॉ। तो उन्होंने यानी जो लॉ सीख कर आए थे तो वकालत का शोबा अख्तियार कर लिया उन्होंने वापस आके। इन 1913 में ही ज्वाइन मुस्लिम लीग, उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। उस वक्त मुस्लिम लीग ही 1906 में कायम हुई थी मुस्लिम लीग, तो ये 1913 में यानी कि आकर ज्वाइन कर लिया। लेटर ऑन बिकेम प्रेसिडेंट, बाद में उसके सदर बन गए। एट दिस टाइम, उस वक्त इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, इंडिया अंग्रेजों के कब्जे में था 1857 से लेकर 1957 तक अंग्रेजों ने हुकूमत करी है। अंग्रेजों ने मतलब 1700 से शुरू हो गए थे, लेकिन जो है 1857 पर मुकम्मल यानी कि जो बहादुर शाह जफर थे आखिरी मुगलिया सल्तनत के, उनको हरा करके फिर 1857 में पूरी पूरी हुकूमत कायम हो गई थी ब्रिटिश। और 1947 जब आज़ाद हुए पाकिस्तान 19 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कम हो गई, तो उस वक्त जो है ब्रिटिश यहाँ से गए। तो 1913 अभी दर्शी बात है, 1947 या 1945 से पहले की बात है, तो अभी ब्रिटिश रूल में था इंडिया। ही कह रहा था मुस्लिम, उन्होंने मुसलमानों को जमा किया एंड ट्राइड अ लॉट टू क्रिएट अ यूनिटी अमंग देम, तो और उनके दरमियान मोहब्बत इसार कायम करने की बहुत कोशिश करी। कहा जाता है इन 1940 में द पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड अंडर हिज लीडरशिप इन विच अ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स वाज डिमांडेड। 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई, ठीक है ना, एक रेजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम सोशल स्टडीज वगैरह में पढ़ेंगे। पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास हो गई 1940 और फिर कायदे आजम की यानी लीडरशिप के अंदर मुस्लिम लीग के रहनुमा, और उसमें जो है वो मुसलमानों ने एक नई इस्लामी रियासत का मुतालबा किया। ऑन 14 अगस्त 1947 केम इन टू एग्जिस्टेंस विद हिज अटाइनिंग एफर्ट्स, यानी क्या, लेकिन आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गया कायदे आजम की अंतक मेहनत और कोशिशों के बाद। ये भी हमने फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो है वो कायदे आजम ही बने। ही डाइड ऑन September 11, 1948, लेकिन एक साल बाद ही 11 सितंबर 1948 को कायदे आजम का इंतकाल हो गया। इस टॉम इज इन कराची, उनका ये जो ये मज़ार बना हुआ है कायदे आजम कराची में, आप देखते होंगे मज़ार कायद आज भी है, पर जो मज़ार है वो कराची में। ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन, ये इन्हें हम नेशन का या पाकिस्तान जो नेशन है इसका वालिद भी कहते हैं। इन विच सिटी वाज कायदे आजम की सिटी में पैदा हुआ थे, कराची में पैदा हुआ, ठीक। व्हेन वाज द पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास, पाकिस्तान रेजोल्यूशन का पास हुई 1940। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना डिमांडेड अ सेपरेट कंट्री सेपरेट प्रोविंस सेपरेट सिटी, सेपरेट कंट्री उन्होंने डिमांड करती है कि हमें एक अलग मुल्क बना के दिया जाए। और ये मुल्क जो बना है पाकिस्तान, ये इस्लाम के नाम पर बना था। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मेरे भाइयों, अगर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये मुल्क रहेगा, वरना ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ अपने मकसद से हट जाती है वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो मेरे भाइयों, हमें अपने मुल्क में इस्लामी निज़ाम को कायम करना है। द टॉम ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सिचुएटेड इन पेशावर, कहाँ पर है, पेशावर में, कराची में ज़्यादा, पेशावर का मज़ार कराची में। Fill in the blanks with the help of the following words. Governor General फिर आजा। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न 25 दिसंबर। कायदे आजम कब पैदा हुए, 25 दिसंबर 1876 को जो है कायदे आजम यानी कि पैदा हुए, ठीक है। उन्होंने डेट लिखी थी ये 1876, ठीक है। When was Pakistan Revolution पर, अच्छा ये हो गया, सॉरी। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बिकम द फर्स्ट नेशन ऑफ पाकिस्तान, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले क्या बने, गवर्नर जनरल बने, तो यहाँ आएगा गवर्नर जनरल। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन, नेशन के बाप या नेशन के वालिद भी कहा जाता है कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना गेन द डिग्री इन लॉ फ्रॉम, कायदे आजम ने मतलब लॉ की डिग्री जो है वो कब हासिल करी, कहाँ से हासिल करी, लंदन से हासिल करी, ठीक। तो यहाँ लंदन आएगा। पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 14 अगस्त, पाकिस्तान का वजूद में आया 14 अगस्त 1947 को, पाकिस्तान वजूद में आया या आजाद होगा। वेन वाज कायदे आजम, कायदे आजम वाज बोर्न ऑन, कब पैदा हुए, 1875, 1876, 15 साल की उम्र में कायदे आजम वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। Write down sayings of Qaeda Azam Muhammad Ali Jinnah on the chart with the help of your teacher and hang
चार जंग आप कायदे आजम के जो मुख्तलिफ कोई कॉल है कोर्ट्स हैं, या आप गूगल पे लिखेंगे कोर्ट्स ऑफ कायदे आजम तो आपको बेशुमार कोर्ट मिल जाएंगे, उनमें से कोई कोर्ट्स कोई नसीहत उनकी लिख लें और जो है उसको जो है मतलब आप लिखने के बाद जो है उसको चार्ट बना करके आप लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने गूगल खोला ना, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोर्ट्स ऑफ कायदे आजम करके आप लिखेंगे तो कुछ ना कुछ जो है वो आपके पास उनके कोर्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, आप देखें ये है, थिंक 100 टाइम्स बिफोर यू टेक डिसीजन बट वंस द डिसीजन इज टेकन स्टैंड इट एज अ वन। ये उनका कोट है कि आप कोई भी डिसीजन लें, कोई भी फैसला करने से पहले 100 बार सोच लो, लेकिन जब एक बार डिसीजन ले लिया तो फिर आप उस पर जम जाओ। ठीक है ना, इस तरह ये एक ये लिखा है, एक्सपेक्ट द बेस्ट प्रिपेयर द वर्स्ट। ठीक है ना, अच्छे की उम्मीद रखें और हमेशा बुरे के लिए तैयार रहें। ये सारे और भी बहुत सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे। टेल द स्टूडेंट्स अबाउट हाउ मच एफर्ट्स कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मेड टू अचीव पाकिस्तान। मतलब स्टूडेंट्स को बताया कि कायदे आजम ने कितनी मुश्किलों से जो है वो पाकिस्तान को बनाने में किरदार अदा करा। वो हमने आगे हम डिटेल में सोशल स्टडीज में उनके बारे में पढ़ेंगे, कैसे जो है वो अंत तक मेहनत करते थे और कैसे जो है वो इलामा इकबाल ने ख्वाब देखा था तो उनके ख्वाब की ताबीर कायदे आजम ने कैसे जो है वो करी, दो कौमन कौमी नजरिया पेश करा कि मुसलमान हिंदू आपस में नहीं रह सकते और जो इन दोनों को अलग अलग होना चाहिए, और फिर उसके लिए जो है वो कुर्बानियाँ दी उन्होंने और रेजोल्यूशन पास हुआ। ठीक है ना, मुसलमान मोटिवेशनल स्पीचेस करा करते थे। सोशल स्टडीज में उसको मजीद डिटेल से पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द पाकिस्तान रेजोल्यूशन टू द स्टूडेंट्स। तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो 1940 में पास हुई वो स्टूडेंट्स को बयान करेंगे, यानी कि उसमें क्या तय हुआ कि हमें एक आज़ाद फलाही रियासत मुसलमान कायम करनी चाहिए। तो पाकिस्तान रेजोल्यूशन को डिटेल में सोशल स्टडीज में पूरे इसके जो नकात हैं सब हम चलना पड़े। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.